इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं हैं, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने दो बार पत्र लिखा पिछले सवा साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, जो क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है चुनाव में, जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कड़ी में फर्क नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन खत्म हो गया है। 4 बजे के आसपास पायलट समर्थकों ने मिठाई खिलाकर ये अनशन तोड़वाया, लेकिन अनशन के दौरान एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। जब सचिन पायलट अनशन के लिए जिस मंच पर बैठे थे, उस मंच के पीछे अनशन से जुड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें न सोनिया गांधी की फोटो है, ना ही राहुल गांधी की और ना ही पार्टी अध्यक्ष की, और तो और कांग्रेस का सिंबल यानी कि हाथ भी पोस्टर से गायब दिखा। केवल महात्मा गांधी की ही फोटो लगाई गई। इससे सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर अनशन कर रहे पायलट के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। क्या वो किसी तरह का बड़ा ऐलान कर सकते हैं या कोई और पॉलिटिकल लाइन अपना सकते हैं? क्या राजस्थान का चुनावी रुख बदलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल ही जाएंगे। बहरहाल देखने लायक नजारा तब था जब पायलट अनशन स्थल पर पहुंचे, तब हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए का गीत बज रहा था। पूरा पंडाल भीड़ से भरा हुआ था। उन्होंने ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद स्मारक पर अपना अनशन शुरू किया। इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी रार किसी से छुपी नहीं है। पायलट ने 9 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनशन का ऐलान किया था। आज के धरना में प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर पहुंचे। इससे पहले पायलट गुट के नेताओं और विधायकों ने चुनिंदा समर्थकों को जयपुर पहुंचने का मैसेज भेजा था। कांग्रेस राज में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का ये हाल 2 दशकों में ये पहला मौका था। 9 अप्रैल को पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने वसुंधरा सरकार पर करीब 45,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और वादा किया था कि सरकार में आने पर इनकी जांच करवाई जाएगी, जिसे लेकर मैंने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी, जिसका जवाब मुझे मिला ही नहीं। 28 मार्च 2022 को उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें इनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आप में लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।